प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा, लंबित शिकायतों के आधार पर आईएल के केजी बेसिन D6 के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया जा सकता रद्द। गैस कीमतों पर वीरप्पा मोइली ने कहा, पिछले साल ही ONGC की लागत थी $3.6 प्रति इकाई। सोनीपत के गन्नौर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों से मिले और पार्टी घोषणा पत्र में उनके मुद्दों को शामिल करने के लिए उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि कृषक समुदाय के बच्चों के लिए रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए UPA सरकार अनेक कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट मरीन मामले की जांच के राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से जुड़ी इतालवी सरकार की याचिका पर विचार करने पर सहमत। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि इतालवी मरीन पर समुद्री डकैती निरोधी कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी की याचिका पर केंद्र सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस और भाजपा को इस मामले में नोटिस जारी करने से इनकार किया। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में 4 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने 4 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात के नरोदा पाटिया दंगा मामले में सजा पाने वाली राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत अवधि को और बढ़ाने से इनकार कर दिया। भारत और कनाडा के बीच आज 3 क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला समझौता ऑडियो विजुअल कार्यक्रम सह निर्माण को लेकर हुआ। इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के जैव तकनीक विभाग और ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा के बीच एक समझौता हुआ। तीसरा समझौता राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कनाडा के सामुदायिक कॉलेज संघ के बीच कौशल विकास के क्षेत्र में हुआ, ताकि आर्थिक तरक्की, रोजगार और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और AIADMK के प्रमुख जयललिता ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। जयललिता ने तमिलनाडु की 39 और पुदुचेरी की एक सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख चंद्रशेखर राव ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव ने बताया कि तेलंगाना राज्य के विकास के लिए राष्ट्रपति ने पूरा समर्थन देने की बात कही। भारत और चीन के बीच भारत में इस साल होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। नई दिल्ली में वार्षिक रक्षा वार्ता में सीमा मसले और हाल ही में संपन्न सीमा समझौते पर हुई चर्चा। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कच्छ के किसानों के मुद्दे पर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री पर सबके कल्याण का जिम्मा है, लेकिन मोदी ने कच्छ के सिख किसानों पर पंजाब में जो बयान दिया है वह गलत है। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट ने किराए में कमी का ऐलान किया। स्पाइस जेट ने समर सेल के तहत बेस फेयर में 75% कटौती की है। यह छूट 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी।